Before starting the video, I would like to tell you something about ipsguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of the each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move toward our video. Hello friends, welcome to IPS Guide. Today we will solve a puzzle which is based on blocks, and this type of puzzle is very helpful for SBI PO 2019 as well as other bank exams also. And for more quality mock, visit www.ipsguide.com. Let's see the puzzle. Ye raha puzzle based on blocks, and this is the continuation of the puzzle and the last slide of the puzzle. So friends, I request you all to pause the video and try it by yourself first. आइए देखते हैं यहाँ पे instruction part में क्या लिखा हुआ है. 9 boxes of 3 type plastic B11, B21 and B13, wooden B12, B31 and B1, and metal B22, B10 and B14 are kept one above other in the form of a stack. यहाँ पे क्या बोला गया है, 9 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक रखा गया है और यहाँ पे 3 टाइप के बॉक्सेस हमें मिलेंगे, प्लास्टिक, वुडन एंड मेटल. ठीक है, ईच बॉक्स इज रैप्ड विद डिफरेंट कलर पेपर, ब्लैक, ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन, क्रेयॉन, ब्राउन, रेड एंड व्हाइट. यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक बॉक्स यहाँ पे डिफरेंट कलर से रैप किया गया है. ईच बॉक्स ऑल्सो कंटेन डिफरेंट फ्रूट्स, दैट इज लेमन, बेरी, मैंगो, फिग, पपाया, गुआवा, बनाना, चेरी एंड ग्रेप्स. यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक बॉक्स में डिफरेंट फ्रूट्स है. ठीक है, ईच बॉक्स इज मार्क विद डिफरेंट नंबर, आइदर अ परफेक्ट स्क्वायर और अ परफेक्ट क्यूब नंबर बिटवीन 2 to 200. यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक बॉक्स में डिफरेंट नंबर यहाँ पे मार्क किया गया है, हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है वो परफेक्ट क्यूब हो, और यहाँ पे रेंज हमें क्या दिया गया है, 2 से 200 के बीच में वो नंबर होना चाहिए. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि बॉक्सेस आर मार्क्ड एंड प्लेस्ड इन सच ए वे दैट आइदर केप्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यहाँ पे क्या बोला गया है कि बॉक्सेस को ऐसे मार्क किया गया है, हो सकता है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो टॉप टू बॉटम, हो सकता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो टॉप टू बॉटम. ठीक है, ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, नो टू बॉक्सेस ऑफ सेम टाइप आर केप्ट टुगेदर. यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी बॉक्स सेम टाइप के एक साथ रखा नहीं जा सकता है. ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग इस सेंटेंस से पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. एट मोस्ट टू बॉक्सेस आर केप्ट बिलो द बॉक्स रैप्ड विद ग्रीन पेपर. यहाँ पे क्या बोला गया है कि ग्रीन बॉक्स के नीचे मैक्सिमम 2 बॉक्सेस होने चाहिए और मिनिमम यहाँ पे 0 बॉक्स भी हो सकते हैं ग्रीन बॉक्स के नीचे. मतलब ग्रीन बॉक्स के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं हो सकता, हो सकता है ग्रीन बॉक्स के नीचे मैक्सिमम 2 बॉक्स हो. तो यहाँ पे हमें 2 पॉसिबिलिटी मिल सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी हमें मिल सकते हैं. हो सकते हैं ग्रीन बॉक्स फर्स्ट बॉक्स में हो, सेकंड बॉक्स में हो या थर्ड बॉक्स में हो. क्लियर, अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द बॉक्स हैविंग फीक इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स रैप्ड विथ ग्रीन पेपर. यहां पे क्या बोला गया है, ग्रीन बॉक्स के इमीडिएटली नीचे वाले बॉक्स में फीक. क्लियर, इसका मतलब क्या है कि ग्रीन बॉक्स फर्स्ट बॉक्स में तो हो नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि ग्रीन बॉक्स के नीचे में और कोई तो बॉक्स यहाँ पे हम लोगों को मिल नहीं रहा, इसलिए ग्रीन बॉक्स का यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ग्रीन बॉक्स हो सकता है सेकेंड बॉक्स में हो सकता है थर्ड बॉक्स में हो. ठीक है,
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बॉक्स रैप्ड विद ग्रीन पेपर इज केप्ट एट अ गैप ऑफ टू बॉक्सेस फ्रॉम द बॉक्स हैविंग ग्वावा। यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्रीन बॉक्स के और जिस बॉक्स में ग्वावा है इन दोनों के बीच में दो बॉक्सेस हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे केस वन और केस टू मिले, दो पॉसिबिलिटी, हो सकता है ग्रीन थर्ड बॉक्स में हो सकता है ग्रीन सेकेंड बॉक्स में हो, और ग्रीन के इमिडिएटली नीचे वाले बॉक्स में फीक होगा, और यहाँ पे भी केस टू में भी ग्रीन के इमिडिएटली वाले नीचे वाले बॉक्स में फीक है, और ग्रीन और गुआवा के बीच में दो बॉक्सेस है। ये और हमें यहाँ पे बोला गया है कि टू और 200 के बीच वाला नंबर होना चाहिए, हो सकता है वो नंबर स्क्वायर होना चाहिए, हो सकता है वो नंबर क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर नंबर कौन कौन से है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196। ये सारे क्या है, स्क्वायर नंबर है। और क्यूब कौन कौन से नंबर है, 8 है, 27 है, 64 है और 125 है। ये सारे क्या है, क्यूब नंबर्स है। क्लियर? फिर यहाँ पे बोला गया है कि बॉक्स 3-1 हैविंग गुआवा इज केप्ट जस्ट बिलो मेटल बॉक्स मार्क्ड 121। यहाँ पे क्या बोला गया है, जिस बॉक्स में गुआवा रखा गया उस बॉक्स को क्या मार्क किया गया है, यहाँ पे B31 बॉक्स बोला गया है। मेटल बॉक्स जो कि मार्क किया है 121 के इमिडिएटली नीचे वाले बॉक्स में गुआवा बॉक्स है, और उस बॉक्स को क्या बोला गया है, B31 बॉक्स। तो B31 बॉक्स यहाँ पे क्या है, वुडन बॉक्स है, वुडन टाइप है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे केस वन में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं गुआवा कौन सा बॉक्स नंबर है, B31 जो कि वुडन है। क्लियर? और गुआवा के इमिडिएटली ऊपर वाले बॉक्स में क्या हो जाएगा, 121 जो कि मेटल बॉक्स है। सिमिलरली हम लोग केस टू के लिए भी हम लोग देखेंगे गुआवा क्या है, वुडन बॉक्स में रखा गया है, और बॉक्स नंबर क्या है, B31, और इसके इमिडिएटली ऊपर वाले बॉक्स कौन सा टाइप का था, मेटल बॉक्स था, और क्या नंबर यहाँ पे मार्क किया गया, 121। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोला गया, द बॉक्स रैप्ड विद व्हाइट पेपर इज मार्क्ड विद क्यूब नंबर एंड इज केप्ट एट अ गैप ऑफ वन बॉक्स बिलो B31। यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाइट बॉक्स जो कि क्यूब नंबर यहाँ पे मार्क किया गया है, और यहाँ पे बोला गया है कि व्हाइट बॉक्स और B31 के बीच में वन बॉक्स रहेगा, और यहाँ पे बोला गया है कि B31 के नीचे में व्हाइट बॉक्स रहेगा। क्लियर? सो फ्रेंड्स, हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि B31 के नीचे में व्हाइट बॉक्स रहेगा जिसको मार्क किया गया है क्यूब नंबर होगा, और B31 और व्हाइट बॉक्स के बीच में वन बॉक्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग केस वन देख लेते हैं, B31 सिक्स्थ बॉक्स में है, तो व्हाइट बॉक्स कहाँ पे हो जाएगा, फोर्थ बॉक्स में हो जाएगा, व्हाइट यहाँ पे हो जाएगा, और व्हाइट बॉक्स यहाँ पे क्या है, क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते क्यूब नंबर। ये सिमिलरली हम लोग केस टू देख लेते, केस टू में B31 कहाँ पे, फिफ्थ बॉक्स में है, और व्हाइट कहाँ पे हो जाएगा, थर्ड बॉक्स में व्हाइट हो जाएगा। ये और व्हाइट बॉक्स क्या मार्क किया जाएगा, नंबर क्यूब नंबर। ठीक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, केस वन में हम लोग ने इंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो नंबर जो मार्क किया गया है हर एक बॉक्स में, वो हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर हो टॉप टू बॉटम, हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सेवेंथ बॉक्स में हम लोग ने 121 मार्क किया गया है। ठीक।
अगर हम लोग यहाँ पे केस वन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग मार्क करते हैं नंबर्स को, तो यहाँ पे क्या है कि 121 के बाद वाला जो यहाँ पे बॉक्सेस है वहां पे कितने नंबर्स बच रहे हैं, 1, 2, 3 नंबर्स बचे, और यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस यहाँ पे है। तो हम लोग इन 3 नंबर को तो 6 बॉक्सेस में तो अलॉट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हर एक बॉक्स में यूनिक नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हर एक नंबर को यहाँ पे मार्क किया जा रहा है। क्लियर। सिमिलरली इन केस टू ऑल्सो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क करते हैं तो यहाँ पे 121 कौन से पोजिशन में है, 6th बॉक्स में है, और 121 के नीचे कितने बॉक्सेस है, और 5 बॉक्सेस है, और यहाँ पे नंबर कितने हैं, 3 ही नंबर है। तो हम लोग ये 5 बॉक्सेस में तो ये 3 नंबर हम लोग तो अलॉट कर नहीं सकते, क्योंकि हर एक बॉक्स में यूनिक नंबर यहाँ पे अलॉट किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे हर एक नंबर क्या अलॉट किया जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अलॉट किया गया है, टॉप टू बॉटम। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नो बॉक्स इज मार्क एज 9। तो हम लोग यहाँ से तो हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, इसका तो कोई यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी बॉक्स में 9 यहाँ पे मार्क किया नहीं है। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 बॉक्स मार्क्ड है, और यहाँ पे 64 भी है। ठीक है। सो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे देखा कि 81 है और 64 भी है, परसेंट में बॉक्स मार्क्ड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग केस वन देख लेते हैं। केस वन में हम लोग यहाँ पे क्यूब नंबर क्या क्या दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, 27 दे सकते हैं, 64 दे सकते हैं, 125 नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7th बॉक्स में हम लोग ने क्या मार्क किया है, 121, और हम लोग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे सारे नंबर्स को हम लोग मार्क कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 121 हो नहीं सकते हैं 4th बॉक्स में। हम लोग 8 भी हम लोग अलॉट नहीं कर सकते, अगर हम लोग 8 यहाँ पे अलॉट कर दिए तो 8 के छोटा नंबर और कौन सा यहाँ पे बच रहा है, बस एक 4 ही बच रहा है। तो इन तीनों बॉक्स में तो हम लोग 4 अलॉट कर नहीं सकते। क्लियर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 81 और 64 हम लोग अलॉट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 81 और 64 के बीच में और कोई यहाँ पे नंबर हो नहीं पा रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे 64 दे देते हैं तो सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 4th बॉक्स में 27 अलॉट करेंगे, 6th बॉक्स में 81 और 5th बॉक्स में 64। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि B22 इज केप्ट एट अ गैप ऑफ 2 बॉक्सेस फ्रॉम द बॉक्स मार्क 81 विच इज केप्ट जस्ट इन अबव द बॉक्स रैप्ड विद साइन पेपर। यहाँ पे क्या बोला गया है, B22 और जिस बॉक्स को 81 मार्क किया गया, इन दोनों के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, और 81 किस बॉक्स से इमिडिएटली अबव है, साइन बॉक्स से। क्लियर। फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने 4th बॉक्स में 64 रखा, तो इसके इमिडिएटली ऊपर वाला बॉक्स तो 81 हो गए। अब यहाँ पे बोला गया है कि 81 के इमिडिएटली नीचे वाले बॉक्स में साइन बॉक्स होना चाहिए, पर यहाँ पे 81 के इमिडिएटली नीचे कौन सा बॉक्स है, वाइट बॉक्स है, तो इसका मतलब क्या है, 81 यहाँ पे नहीं होगा। 81 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इन केस टू ऑल्सो यहाँ पे हम लोग 27 लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 64 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। हम लोग 4th बॉक्स में केस टू में 81 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 81 के इमिडिएटली नीचे वाले बॉक्स में साइन बॉक्स होना जरूरी है, पर यहाँ पे क्या है, व्हाइट बॉक्स है, और यहाँ पे हम लोग ने 5th बॉक्स में 81 लिखा, 4th बॉक्स में 64 और 3rd बॉक्स में 27।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे 81 के इमीडिएटली नीचे वाले बॉक्स में साइन बॉक्स होगा, तो हम लोग यहाँ पे साइन लिख लेते हैं केस वन और केस टू में. Three boxes are kept between the box wrapped with pink and the box marked of 64. यहाँ पे क्या बोला गया, पिंक बॉक्स और 64 जिस बॉक्स को मार्क किया गया उन दोनों के बीच में तीन बॉक्सेस होगा. फिर यहाँ पे बोला गया है वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स रैप्ड ब्राउन एंड बॉक्स B22 व्हिच इज नाइदर मार्क्ड 121 एंड नॉट रैप्ड विथ व्हाइट पेपर. यहाँ पे क्या बोला गया है कि ब्राउन बॉक्स और B22 के बीच में वन बॉक्सेस है और B22 बॉक्स ना ही मार्क्ड किया गया है 121 से, ना ही वो रैप्ड किया गया है व्हाइट पेपर से. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स रैप्ड विद ब्लू पेपर एंड प्लास्टिक बॉक्स व्हिच इज केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स मार्क्ड 8. यहाँ पे क्या बोला गया है कि ब्लू बॉक्स और प्लास्टिक बॉक्स के बीच में तीन बॉक्सेस होंगे और यहाँ पे प्लास्टिक बॉक्स का जो एडजेसेंट बॉक्स होगा उस बॉक्स में क्या मार्क्ड किया जाएगा, 8 बॉक्स मार्क किया जाएगा. ठीक है, सो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि 81 और B22 के बीच में दो बॉक्सेस होंगे, B22 और ब्राउन बॉक्स के बीच में यहाँ पे वन बॉक्स होगा और B22 यहाँ पे व्हाइट बॉक्स नहीं होगा, ना ही वो 121 मार्क किया जाएगा, 64 और पिंक बॉक्स के बीच में तीन बॉक्सेस होंगे, ब्लू और प्लास्टिक टाइप के बॉक्स में यहाँ पे तीन बॉक्सेस होंगे बीच में और प्लास्टिक बॉक्स जो है वो एडजेसेंट होगा उस बॉक्स में जिस बॉक्स में मार्क किया गया है 8 बॉक्स. क्लियर, सो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग केस टू देख लेते हैं. केस टू में यहाँ पे क्या बोला गया है कि 64 और पिंक के बीच में तीन बॉक्सेस होंगे, तो 64 और पिंक 1 2 3 यहाँ पे तो पिंक हो नहीं सकता है, 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा. क्लियर, अब यहाँ पे बोला गया है कि 81 और B22 के बीच में दो बॉक्सेस होंगे, 81 और B22, 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, B22 हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या बोला गया है B22 और ब्राउन बॉक्स के बीच में वन बॉक्सेस होंगे, तो B22 वन और यहाँ पे क्या होना चाहिए ब्राउन, पर यहाँ पे पहले से हम लोगों ने क्या किया है, साइन हम लोगों ने अलॉट किया है, तो यहाँ पे B22 हो नहीं सकता है, B22 कहाँ पे हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे हम लोग B22 अलॉट करेंगे. ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग केस वन देख लेते हैं. केस वन में यहाँ पे 81 और B22 के बीच में दो बॉक्सेस होंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 यहाँ पे हम लोग ने B22 लिखा, B22 और यहाँ पे क्या बोला गया है कि B22 और ब्राउन बॉक्स के बीच में वन बॉक्स होगा, तो यहाँ पे तो साइन है, यहाँ पे तो ब्राउन हो नहीं सकते, यहाँ पे हम लोग ब्राउन लिख लेते हैं. ठीक, अब यहाँ पे हम लोग पिंक कहाँ लिखेंगे, 64 और पिंक के बीच में तीन बॉक्सेस हैं, 1 2 3 यहाँ पे तो पिंक हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से हम लोग ब्राउन लिखा, तो पिंक तो ऊपर में ही होगा, 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा. ठीक, अब हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि ब्लू और प्लास्टिक के बीच में तीन बॉक्सेस होगा और ये प्लास्टिक बॉक्स जो है वो एडजेसेंट होगा किसके, 8 के. क्लियर, अब फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए हम लोग थर्ड बॉक्स में 8 अलॉट करते हैं, तो 8 के नीचे कितने बॉक्सेस यहाँ पे हो रहे हैं, दो बॉक्सेस हो रहे हैं, और यहाँ पे 8 से नीचे कितने नंबर हैं, बस एक ही नंबर है, वो क्या है, 4 है, तो इन दोनों बॉक्स में तो हम लोग 4 नंबर अलॉट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 8 हम लोग अलॉट नहीं कर सकते, 8 मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो प्लास्टिक टाइप कहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पे प्लास्टिक टाइप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे B22 कौन से टाइप से बिलोंग करता है, मेटल टाइप से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे तो प्लास्टिक होगा नहीं. अब यहाँ पे बोला गया है कि प्लास्टिक और ब्लू के बीच में तीन बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 तीन बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 यहाँ पे क्या है, साइन है, तो यहाँ पे तो हम लोग ब्लू अलॉट कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी 8 होगा नहीं, तो 8 कहाँ पे हो जाएगा, 8 फर्स्ट बॉक्स में हो जाएगा. ठीक है,
सो फ्रेंड्स, हम लोग ने केस वन में फर्स्ट बॉक्स में हम लोग ने 8 अलॉट किए प्लास्टिक टाइप, सेकंड बॉक्स में, और यहाँ पे क्या है, ब्लू और प्लास्टिक के बीच में 3 बॉक्सेस होंगे, तो 1, 2, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, द बॉक्स रैप्ड विथ ब्लैक पेपर इज मार्क्ड विथ क्यू नंबर। हम लोग ने पढ़ा कि ब्लैक बॉक्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, क्यूब नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे क्यूब नंबर कौन कौन सा है, 8, 27, 64 एंड 125। तो 8 तो हम लोग ने यहाँ पे केस वन में हम लोग ने फर्स्ट बॉक्स में अलॉट किया, 27 फोर्थ बॉक्स में अलॉट हुआ, 64 फिफ्थ बॉक्स में अलॉट हुआ, बस यहाँ पे बाकी है 125। ठीक, तो 125 कहाँ पे अलॉट हो जाएगा, 125 यहाँ पे 8 बॉक्स में अलॉट होगा, और 125 को हम लोग क्या देंगे, ब्लैक बॉक्स देंगे। क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, द बॉक्स रैप्ड विद रेड पेपर इज मार्क्ड एज 169। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 169 होना चाहिए, और 169 वाला बॉक्स क्या होना चाहिए, रेड बॉक्स होना चाहिए, पर यहाँ पे हम लोग ने क्या मार्क किया है, पिंक हम लोग ने अलॉट कर दिया 9th बॉक्स में। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जा रही है, क्या रॉन्ग हो जा रही है, कि हम लोग यहाँ पे B22 थर्ड बॉक्स में हम लोग अलॉट नहीं कर सकते। कहाँ पे हम लोग अलॉट करेंगे B22 को, हम लोग अलॉट करेंगे B22 को 9th बॉक्स में। क्लियर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि B22 कहाँ पे हो सकता है, 9th बॉक्स में हो सकता है B22। क्लियर। और B22 और ब्राउन के बीच में 1 बॉक्स होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, और केस टू में ब्राउन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ब्राउन हो जाएगा। क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए केस वन में 8 अगर हम लोग यहाँ पे अलॉट करते हैं सेकंड बॉक्स में, तो प्लास्टिक हो सकता है यहाँ पे हो सकता है प्लास्टिक टाइप यहाँ पे हो, और यहाँ पे क्या बोला गया, ब्लू और प्लास्टिक के बीच में 3 बॉक्सेस होगा, प्लास्टिक अगर यहाँ पे है तो ब्लू कहाँ पे हो जाएगा, 1, 2, 3, यहाँ पे ब्लू होना चाहिए था, पर यहाँ पे पहले से क्या है, ब्राउन है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि प्लास्टिक हो। प्लास्टिक अगर यहाँ पे है, 1, 2, 3, यहाँ पे होना चाहिए था ब्लू, पर यहाँ पे पहले से ही क्या है, साइन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 8 सेकेंड बॉक्स में नहीं होगा, 8 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा 8। अगर 8 फर्स्ट बॉक्स में है तो प्लास्टिक कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अगर प्लास्टिक यहाँ पे है तो 1, 2, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि रेड बॉक्स को क्या मार्क किया जाएगा, 169 मार्क किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट बॉक्स को 8 हम लोग ने अलॉट किए, और यहाँ पे हम लोग ने लिखा कि प्लास्टिक बॉक्स के एडजेसेंट क्या होगा, 8 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्लास्टिक, तो प्लास्टिक और ब्लू के बीच में कितने बॉक्सेस होंगे, 3 बॉक्सेस, 1, 2, 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ब्लू बॉक्स होना चाहिए था, पर यहाँ पे पहले से हम लोग ने क्या अलॉट किया है, ब्राउन बॉक्स अलॉट किया है, तो यहाँ पे तो प्लास्टिक हो नहीं सकते, इसका मतलब यहाँ पे 8 नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग ने 8 किया तो प्लास्टिक हो सकता है यहाँ पे हो सकता है प्लास्टिक यहाँ पे हो, अगर प्लास्टिक यहाँ पे है तो ब्लू कहाँ पे हो जाएगा, 1, 2, 3, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, अगर प्लास्टिक यहाँ पे है तो ब्लू कहाँ पे हो जाएगा, 1, 2, 3, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं, ये ब्लू और ये प्लास्टिक अगर रहा यहाँ पे। अब हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि ब्लैक बॉक्स है जो क्यूब नंबर मार्क किया गया है, तो ब्लैक बॉक्स कहाँ हो सकता है, ब्लैक बॉक्स यहीं पे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब नंबर क्या है, 125 है, तो यहीं पे होगा 125 जो कि ब्लैक बॉक्स होगा। और हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि रेड बॉक्स है जिसको मार्क किया गया है 169, इसका मतलब क्या है, 125 से बड़ा नंबर है 169, इसका मतलब कि ब्लैक बॉक्स के ऊपर में रखा जाएगा रेड बॉक्स, पर यहाँ पे तो और कोई बॉक्सेस है नहीं ब्लैक बॉक्स के ऊपर, इसका मतलब क्या है, ब्लू यहाँ पे नहीं होगा और ना ही यहाँ पे ब्लैक होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लास्टिक टाइप नहीं होगा, यहाँ पे प्लास्टिक टाइप हो जाएगा, और ब्लैक कहाँ पे हो जाएगा, ब्लैक यहाँ पे हो जाएगा।
125 और यहाँ पे क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा ठीक है। सो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे नाइन्थ बॉक्स में रेट अलॉट किया और 169 यहाँ पे मार्क किए ठीक है। ब्लैक हम लोग ने सेवन्थ बॉक्स में अलॉट किया और इसका नंबर यहाँ पे क्या है 125 जो कि एक क्यूब नंबर है। ब्लू हम लोग ने यहाँ पे फिफ्थ बॉक्स में रख दिया ठीक है। एट यहाँ पे सेकेंड बॉक्स में हम लोग ने अलॉट किया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एट से कम नंबर और कौन सा नंबर है एक फोर ही है तो यहाँ पे हम लोग फोर लिख लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे 125 और 169 के बीच में बस एक ही नंबर है वो क्या है 144 है तो यहाँ पे हम लोग 144 लिख लेंगे। और यहाँ पे बस एक ही कलर यहाँ पे बच रहा है वो क्या है येल्लो है ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है द बॉक्स हैविंग बेरी एंड द बॉक्स रैप्ड इन विद इन येलो पेपर आर केप्ट टुगेदर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि बेरी और जो येलो बॉक्स है वो दोनों एक साथ रखा गया है ठीक है। मीन्स बेरी और येलो बॉक्स एक साथ यहाँ पे रखा गया तो केस टू में बेरी कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेरी हो जाएगा ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे येलो रखते हैं तो बेरी यहाँ पे होना चाहिए था पर यहाँ पे क्या है फिग है तो यहाँ पे हम लोग येलो नहीं रख सकते ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने येलो रखा तो येलो बेरी कहाँ पे हो जाएगा बेरी हो सकते हैं यहाँ पे हो सकते हैं यहाँ पे हो बेरी। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि रेड बॉक्स को क्या नंबर दिया गया 169 नंबर दिया गया है जो कि यहाँ पे टॉप मोस्ट में ही आएगा रेड यहाँ पे हम लोग ने कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि ब्लैक बॉक्स को क्यूब नंबर अलॉट किया गया तो ब्लैक बॉक्स कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक बॉक्स हो जाएगा। अब हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि 64 और पिंक के बीच में तीन बॉक्सेस होंगे तो 1 2 3 यहाँ पे पिंक होना चाहिए था तो यहाँ पे तो ब्लैक है। अब 1 2 3 यहाँ पे क्या होना चाहिए था पिंक होना चाहिए था पर यहाँ पे क्या है रेड है तो पिंक के लिए हम लोग को यहाँ पे अलॉट हो नहीं पा रहा तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं कि येल्लो यहाँ पे हो एट बॉक्स में ठीक है। अब मान लीजिए येल्लो यहाँ पे है तो रेड कहाँ पे हो जाएगा रेड यहीं पे होगा एट बॉक्स में और ब्लैक कहाँ पे हो जाएगा ब्लैक यहीं पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को वही सिचुएशन आ रहा है कि पिंक हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे पिंक यहाँ पुट करने के लिए जगह ही नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे भी रेड नहीं हो सकते यहाँ पे भी येलो हो नहीं सकते यहाँ पे ब्लैक हो नहीं सकते इसका मतलब क्या है येल्लो के लिए पोजिशन बस यही खाली है बस यहीं पे हो सकता है येल्लो ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेम टाइप ऑफ बॉक्स तो एक साथ रख नहीं सकते यहाँ पे तो सेकंड बॉक्स पे प्लास्टिक है तो यहाँ पे तो प्लास्टिक हो नहीं सकते यहाँ पे भी प्लास्टिक हो नहीं सकते। अब यहाँ पे तो तीन टाइप के प्लास्टिक है तो यहाँ पे तो एक प्लास्टिक हो गया यहाँ पे प्लास्टिक हो नहीं सकते यहाँ पे भी प्लास्टिक हो नहीं सकते और दो प्लास्टिक कहाँ हम लोग अलॉट कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे तो एक साथ अलॉट नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है फिफ्थ या तो फोर्थ में तो एक प्लास्टिक होगा ही होगा और एक प्लास्टिक यहाँ पे श्योर है कि एट बॉक्स में होगा ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वन बॉक्स इज केप्ट इन बिटवीन बॉक्स B13 एंड बॉक्स 10 B13 और बॉक्स 10 के बीच में वन बॉक्स है और यहाँ पे B13 क्या है प्लास्टिक टाइप के हैं और B10 यहाँ पे कौन से टाइप के हैं मेटल टाइप के हैं ठीक। तो हमें यहाँ पे पता है कि पी कहाँ कहाँ हो सकते हैं मीन्स प्लास्टिक प्लास्टिक हो सकते हैं फिफ्थ में हो सकते हैं फोर्थ बॉक्स में भी हो। सो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि B13 जो कि एक प्लास्टिक टाइप है और B10 जो कि मेटल है इसका मतलब क्या है प्लास्टिक टाइप और मेटल टाइप के बीच में एक बॉक्स होगा। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि एट बॉक्स में प्लास्टिक होगा और यहाँ पे फिफ्थ या तो फोर्थ बॉक्स में एक प्लास्टिक होगा यहाँ पे तीन प्लास्टिक टाइप के हैं ठीक है तो हो सकता है फिफ्थ बॉक्स में प्लास्टिक हो सकता है फोर्थ बॉक्स में प्लास्टिक हो। अब हम लोग देख लेते हैं कि फोर्थ बॉक्स में प्लास्टिक होता है तो क्या होता है फोर्थ बॉक्स में अगर प्लास्टिक होता है
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मेटल होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक और मेटल के बीच में वन बॉक्स होना चाहिए। यहाँ पे अगर प्लास्टिक है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मेटल होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है, वुडन है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लास्टिक होगा नहीं, ये तो यहाँ ही पे प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लास्टिक लेते हैं तो प्लास्टिक और मेटल यहाँ पे होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, वुडन है, तो इसका मतलब क्या है, यही एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे फिफ्थ प्लेस में क्या हो जाएगा, फिफ्थ बॉक्स में क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, फोर्थ बॉक्स में प्लास्टिक होगा नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि वुड के तीन नंबर हम लोग ने देखा है, इंस्ट्रक्शन में पढ़ा कि वुड के भी तीन नंबर है, मेटल के भी तीन नंबर है और प्लास्टिक के तीन नंबर है, और हम लोग ने ये पढ़ा है कि एक ही टाइप के, जैसे कि यहाँ पे वुड वुड तो हो नहीं सकते हैं, एक ही टाइप के यहाँ पे बॉक्सेस एक साथ नहीं रखा जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर वुड रखेंगे, यहाँ पे वुड रखेंगे, तो एक ही टाइप के बॉक्स यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक वुड हो जाएगा, यहाँ पे एक वुड हो जाएगा, और यहाँ पे फोर्थ बॉक्स में हो सकते हैं वुड हो या तो मेटल हो। प्लास्टिक तो तीन हो चुके हैं, 1, 2, 3 हो चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे वुड होगा या तो मेटल होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है द बॉक्स हैविंग मैंगो इज केप्ट एट अ गैप ऑफ 3 बॉक्स ए व बॉक्स बी 11 विच नाइदर कंटेन्स फिग नॉर रैप्ड विथ व्हाइट पेपर। यहाँ पे क्या बोला गया है, मैंगो और बी 11 के बीच में तीन बॉक्सेस होने चाहिए, पर यहाँ पे क्या बोला गया है, एवब होना चाहिए मैंगो, बी 11 के एवब होना चाहिए मैंगो, और बी 11 और मैंगो के बीच में तीन बॉक्सेस होने चाहिए, और विच का किसको बोला गया है, बी 11 को बोला गया है। क्या बोला गया है कि बी 11 बॉक्स में ना ही फिग होगा, ना ही बी 11 बॉक्स रैप्ड किया गया होगा व्हाइट पेपर से, क्लियर। और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉक्स रैप्ड विथ पिंक नाइदर कंटेन फिग नॉर कंटेन मैंगो, क्लियर। सो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि B11 के ऊपर में मैंगो होगा, और मैंगो और B11 के बीच में कितने बॉक्सेस होने चाहिए, तीन बॉक्सेस होने चाहिए, और B11 फिग वाला बॉक्स नहीं होगा, ना ही वो रैप किया हो गया होगा व्हाइट पेपर से, और पिंक बॉक्स में ना ही फिग होगा, ना ही मैंगो होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में फर्स्ट बॉक्स में तो B11 होगा नहीं, B11 प्लास्टिक टाइप में आते हैं, तो यहाँ पे B11 फर्स्ट बॉक्स में तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हम लोग ने अलॉट किया फर्स्ट बॉक्स में फिग, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि B11 तो फिग बॉक्स में तो होगा नहीं, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड बॉक्स में अगर रखते हैं B11, तो B11 क्या है, प्लास्टिक टाइप के हैं, तो प्लास्टिक टाइप और फर्स्ट बॉक्स में प्लास्टिक हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, सेम टाइप के बॉक्सेस एक साथ नहीं रखा जा सकता, हम लोग ने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा ये। अब B11 अगर हम थर्ड बॉक्स में रखते हैं तो 1, 2, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे B11 व्हाइट कलर से भी रैप नहीं किया गया होगा, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि B11 ना ही फिग होगा, ना ही वो रैप किया गया होगा B11 से, तो यहाँ पे B11 होगा नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे B11 है, तो मैंगो कहाँ पे हो जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। पर हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि पिंक बॉक्स ना ही पिंक कंटेन करता है, ना ही मैंगो कंटेन करता है, तो यहाँ पे मैंगो नहीं होगा, और यहाँ पे भी B11 नहीं होगा। फिफ्थ बॉक्स में तो यहाँ पे पहले से ही हम लोग ने B31 हम लोग यहाँ पे अलॉट किए, तो B11 मान लीजिए यहाँ पे होगा, 1, 2, 3 यहाँ पे तो और कोई बॉक्सेस यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे रॉन्ग हो गई, क्लियर। सो फ्रेंड्स अब हम लोग केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में हम लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ B11 हम लोग पुट कर सकते हैं, और B11 प्लास्टिक कैटेगरी में आता है, तो प्लास्टिक कैटेगरी कहाँ कहाँ है, एक सेकेंड बॉक्स में है, फिफ्थ बॉक्स में है, और एक एट बॉक्स में है। तो हम लोग यहाँ पे B11
एक ही बॉक्स में तो रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि B11 के ऊपर में मैंगो बॉक्स रखा गया है, तो B11 में तो हम लोग B11 हम लोग एट बॉक्स में तो रख नहीं सकते ये। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड बॉक्स में भी रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड बॉक्स में क्या है, फिग है, और यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि B11 बॉक्स में फिग कंटेन नहीं करता है, तो यहाँ पे बस एक ही पॉसिबिलिटी बच रहा है कि B11 कहाँ पे हो, फिफ्थ बॉक्स में, और मैंगो कहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा ये। अब हम लोग ने ये चीज भी पढ़ा था कि 64 और पिंक बॉक्स के बीच में 3 बॉक्सेस होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 64 है फिफ्थ बॉक्स में, तो पिंक कहाँ कहाँ हो सकते हैं, 1 2 3 यहाँ पे हो सकते हैं पिंक हो सकता है, 1 2 3 यहाँ पे पिंक हो, पर हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि पिंक बॉक्स में मैंगो कंटेन नहीं करता है, तो पिंक बॉक्स 9th बॉक्स में नहीं होगा, तो पिंक कहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में हो जाएगा पिंक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉक्स B11 इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स हैविंग ग्रेप्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ग्रेप्स वाले बॉक्स के इमीडिएटली वाले ऊपर वाले बॉक्स में B11 बॉक्स है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस बॉक्स में ग्रेप्स कंटेन है उस बॉक्स के इमीडिएटली ऊपर वाले बॉक्स में B11 बॉक्स है, ठीक है? सो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि ग्रेप्स जिस बॉक्स में कंटेन करता है उस बॉक्स के इमीडिएटली वाले ऊपर में B11 बॉक्स कंटेन करता है, तो यहाँ पे B11 कौन से बॉक्स में था, फिफ्थ बॉक्स में था, तो उसके नीचे वाले बॉक्स में, इमीडिएटली नीचे वाले बॉक्स में कौन सा बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स है जिसमें ग्रेप्स कंटेन है, ठीक है? अब फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि ब्लैक बॉक्स क्यूब नंबर कंटेन करता है, तो यहाँ पे क्यूब नंबर कौन कौन सा है, 8, 27, 64 और 125। 8, 27 और 64 तो हम लोग ने यूज कर लिया, यहाँ पे हम लोग ने अलॉट कर लिया, बचा अब 125। 125 यहाँ पे क्या है, क्यूब नंबर है, तो यहाँ पे ब्लैक यहीं पे हो जाएगा 8th बॉक्स में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 हम लोग अलॉट कर दें। हम लोग 9th में क्यों नहीं अलॉट किए, क्योंकि यहाँ पे रेड क्या है, 169 हम लोग ने अलॉट किया है यहाँ पे नंबर, रेड बॉक्स को हम लोग ने यहाँ पे क्या अलॉट किया है, 169, तो रेड कहाँ पे हो जाएगा, 9th बॉक्स में हो जाएगा रेड, और यहाँ पे 169, ठीक है? अब फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था कि B13 और B10 के बीच में 1 बॉक्स होंगे, और B13 यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक टाइप का है, और B10 मेटल टाइप का है, तो प्लास्टिक टाइप कहाँ कहाँ है, एक 8th बॉक्स में है, एक 5th बॉक्स में है, एक 2nd बॉक्स में, तो यहाँ पे 5th बॉक्स में तो हम लोग ने पहले से ही हम लोग ने यहाँ पे B11 को हम लोग ने अलॉट किया है, तो B11 यहाँ पे हम लोग ने अलॉट कर चुके हैं 5th बॉक्स में, तो हो सकता है B13 2nd बॉक्स में हो या तो 8th बॉक्स में हो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 8th बॉक्स में अगर B13 होता है तो क्या होता है, B13 अगर हम लोग यहाँ पे अलॉट कर देते हैं तो B10 जो कि मेटल टाइप के हैं तो कहाँ पे होना चाहिए, 6th बॉक्स में होना चाहिए, पर यहाँ पे पहले से ही हम लोग ने अलॉट किया हुआ है B31 जो कि वुडन बॉक्स है, ठीक है? तो यहाँ पे 8th बॉक्स में B13 हो नहीं सकते, तो अब कहाँ पे हो जाएगा, B13 2nd बॉक्स में हो जाएगा, और 4th बॉक्स में क्या हो जाएगा, B10 जो कि मेटल बॉक्स है, तो यहां से हम लोग वुडन को हटा देते हैं, वुडन कहाँ पे हो जाएगा, 3rd बॉक्स में हो जाएगा वुडन, क्लियर? फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे 3 टाइप के प्लास्टिक है, B11, B21 और B13, तो यहाँ पे हम लोग ने B13 2nd बॉक्स में अलॉट किया है, B11 हम लोग ने 5th बॉक्स में अलॉट कर चुके हैं, तो यहाँ पे 2 अलॉट तो हम लोग ने कर दिए और एक 3rd अलॉट करना बाकी है, B21, तो B21 कहाँ पे हो जाएगा,
एट बॉक्स में हो जाएगा B21। क्लियर। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ने मेटल टाइप के भी तीन हम लोग ने देखे हैं। यहाँ पे मेटल टाइप कौन कौन से टाइप के हैं, B22, B10 और B14। यहाँ पे हम लोग ने B22 को भी हम लोग ने अलॉट किया है नाइन्थ बॉक्स में, B10 भी हम लोग ने अलॉट कर चुके हैं वो फोर्थ बॉक्स में हम लोग ने यहाँ पे अलॉट कर चुके हैं, B10 हम लोग ने फोर्थ बॉक्स में अलॉट कर चुके, और बचा रहा B14। तो B14 कहाँ पे हो जाएगा, B14 सेवेंथ बॉक्स में हो जाएगा। क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स हैविंग चेरी एंड द बॉक्स B21 व्हिच इज नॉट केप्ट एट बॉटम। यहाँ पे क्या बोला गया है कि B21 और चेरी के बीच में दो बॉक्सेस रखे गए हैं और B21 जो बॉक्स है वो बॉटम में नहीं रखा गया है। सो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि बॉक्स B21 और चेरी बॉक्स के बीच में दो बॉक्सेस है। यहाँ पे B21 कौन से बॉक्स में, एट बॉक्स में। ठीक है, B21 और चेरी के बीच में दो बॉक्सेस होने चाहिए, तो वन टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेरी हो जाएगा। ठीक है, तो है कि फोर बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स हैविंग बनाना एंड द बॉक्स B1 व्हिच डज नॉट कंटेन पपाया। यहाँ पे बोला गया है कि B1 और बनाना के बीच में फोर बॉक्सेस होने चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो मेटल बॉक्स कंटेन बनाना, कोई भी मेटल बॉक्स में बनाना कंटेन नहीं है। क्लियर। फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट दो पॉइंट क्या है कि लेमन इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन बिलो बॉक्स कंटेनिंग बनाना, बनाना के नीचे वाले कोई भी बॉक्स में लेमन कंटेन है। फिर क्या बोला गया है कि B1 डज नॉट कंटेन बेरी और पपाया, B1 बॉक्स में ना ही बेरी कंटेन है ना ही पपाया। क्लियर। सो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि B1 और बनाना के बीच में चार बॉक्सेस होंगे और B1 ना ही पपाया कंटेन करता है और मेटल बॉक्स में तो बनाना कंटेन नहीं करेगा और बनाना के नीचे वाले कोई भी बॉक्स में लेमन कंटेन करता है और B1 बॉक्स ना ही कंटेन करता है बेरी ना ही पपाया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे बनाना हम लोग कंटेन कर देते हैं थर्ड बॉक्स में, तो बनाना के नीचे वाले कोई भी बॉक्स में क्या होना चाहिए, लेमन होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने लेमन कर दिया, पर यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि येलो और बेरी बॉक्स दोनों एक साथ रखे जाएंगे, तो येलो सेकंड बॉक्स में है तो बेरी कहाँ पे होना चाहिए था, हो सकता था यहाँ पे थर्ड बॉक्स में हो सकता था फर्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ पे तो थर्ड और फर्स्ट बॉक्स तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, अलॉट कर दिया बनाना और लेमन से। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कि बनाना थर्ड बॉक्स में हो। ये तो बनाना हम लोग एट या तो सेवन बॉक्स में रख सकते हैं, हम लोग सेवन बॉक्स में नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि मेटल बॉक्स में बनाना हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे बस एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बच रहा है कि बनाना कहाँ हो, एट बॉक्स में हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बनाना। ठीक है, और यहाँ पे B1 और बनाना के बीच में चार बॉक्सेस हैं, तो बनाना एट बॉक्स में है तो B1 कहाँ पे हो जाएगा, वन टू थ्री फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि B1 ना ही बेरी कंटेन करता है ना पपाया, तो बेरी कहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में हो जाएगा, यहाँ पे बेरी हम लोग ने लिख लिया। क्लियर, और ना ही यहाँ पे पपाया होगा, तो पपाया कहाँ पे हो जाएगा, सेवेंथ बॉक्स में पपाया हो जाएगा। ठीक है, और लेमन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लेमन हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बस फर्स्ट बॉक्स में एक वुडन, यहाँ पे हम लोगों को अलॉट करना है वुडन टाइप, तो यहाँ पे वुडन टाइप हम लोग ने यहाँ पे थर्ड बॉक्स में B1 हम लोग ने अलॉट किया तो B1 गया। वुडन अब कहाँ है, वुडन एक सिक्स्थ बॉक्स में है, B31 ये भी हम लोग ने अलॉट कर लिया। अब बचा यहाँ पे B12, तो B12 फर्स्ट बॉक्स में हम लोग अलॉट कर देते हैं। ठीक है, ये तो रहा हम लोग का फाइनल अरेंजमेंट। अब हम लोग इस पजल के क्वेश्चंस देख लेते हैं।
क्वेश्चन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स हैविंग पपाया. तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, किस रेस्पेक्ट में, जिस बॉक्स में पपाया कंटेन है. तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या बोला है, द बॉक्स हैविंग बनाना इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स हैविंग पपाया. यहाँ पे क्या बोला गया, पपाया के नीचे वाले, जस्ट नीचे वाले बॉक्स में क्या बनाना कंटेन है, पपाया के नीचे वाले जस्ट बॉक्स में पपाया कंटेन है, बनाना कंटेन है, नहीं गुआवा. तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए. ऑप्शन बी, वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स हैविंग पपाया एंड द बॉक्स लेफ्ट विद सायन. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पपाया बॉक्स में और सायन बॉक्स के बीच में वन बॉक्स का गैप है क्या, सायन और पपाया के बीच में वन बॉक्स का गैप है, सही है. ऑप्शन सी, ओनली फोर बॉक्स आर केप्ट बिलो द बॉक्स हैविंग पपाया. पपाया के बिलो क्या चार बॉक्स कंटेन है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है पपाया के बिलो. तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए. ऑप्शन डी, टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग पपाया एंड द बॉक्स हैविंग लेमन. यहाँ पे क्या बोला गया है कि पपाया और लेमन के बीच में दो बॉक्सेस है. तो पपाया और लेमन के बीच में क्या दो बॉक्सेस है, नहीं तीन बॉक्सेस है. तो ये ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया. ऑप्शन ई, मोर देन टू स्टेटमेंट आर ट्रू. पर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बस एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, वो क्या है, ऑप्शन बी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, मैंगो बी टू टू 169 रेड. यहाँ पे ऑप्शन ए सही है. क्वेश्चन थ्री, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन बॉक्स B14 एंड द बॉक्स विच कंटेन गुआवा. तो यहाँ पे B14 में कौन सा नंबर यहाँ पे है, 121 121, और गुआवा में कौन सा नंबर यहाँ पे कंटेन है, गुआवा 81. तो इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 40. तो 40 का रूट क्या हो जाएगा, 2 root 10. इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ई. ठीक है, क्वेश्चन फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर वुडन बॉक्सेस. ऑप्शन ए ब्लू, बी 31, यहाँ पे क्या वुडन बॉक्स है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन से बॉक्सेस यहाँ पे वुडन है इन ऑप्शन में से. तो यहाँ पे वुडन कौन कौन सा है, एक बी 31 है, बी 1 है वुडन बॉक्स, और बी 12 यहाँ पे वुडन बॉक्स है. तो इन ऑप्शन में से कॉम्बिनेशन कौन कौन सा वुडन बॉक्स हम लोगों को दिख रहा है, कि ऑप्शन ए ब्लू येलो पिंक, ब्लू येलो पिंक नहीं. ऑप्शन बी बेरी लेमन पपाया, बेरी लेमन पपाया नहीं, येलो साइन गुआवा, येलो नहीं. ऑप्शन डी 827 चेरी, 827 नहीं. इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ई. क्लियर. क्वेश्चन फाइव, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज रैप्ड विद ब्लैक पेपर. इन ऑप्शन में से कौन सा बॉक्स ब्लैक पेपर से रैप किया गया है, बी 21. तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही है, ऑप्शन ए. क्लियर. होप यू लाइक दिस पजल, डू लाइक कमेंट. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पजल डू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.